मोटरसाइकिल चोरी कर उसे बेचने की फिराक में ग्राहक खोज रहे दो आरोपियों को दुर्ग पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वाहन चोरी की घटना आए दिन देखने को और सुनने को मिल रही है। इसी के तहत बीते दिनों दुर्ग के नया बस स्टैंड में चोरी की गई मोटरसाइकिल को बेचने की फिराक में घूमते दो युवकों को पुलिस ने मुखबिर द्वारा जानकारी मिली, जिसके बाद सूचना के आधार पर दुर्ग पुलिस ने दोनों आरोपियों को घेराबंदी कर धर दबोचा और कड़ाई से पूछताछ करने पर दोनों युवकों ने अपना अपराध कबूल कर लिया। इस पूरे मामले को लेकर दुर्ग थाना प्रभारी शिव सिंह ने विस्तृत जानकारियां न्यूज टीम को दी है। मुखबिर से सूचना मिली थी कि न्यू बस स्टैंड के पास में दो आदमी जो है मोटरसाइकिल बेचने के लिए आए हुए हैं। इस पर जो है दबिश देकर पता किया गया, जिनसे उनसे मौके पर पूछताछ की गई और मौके पर पूछताछ करने पर उनके पास से तीन मोटरसाइकिल बरामद हुई। किशन के पास से दो मोटरसाइकिल बरामद हुई है और रवि के पास से एक मोटरसाइकिल बरामद की गई, जिसमें 44 के तहत कार्रवाई की गई है। एक मोटरसाइकिल भिलाई नगर थाने में उसका अपराध दर्ज है, जिन्हें हमने सूचना दी थी की है, और बाकी आरोपियों के विरुद्ध 41/4, 379 के तहत कार्रवाई करके माननीय न्यायालय पेश किया गया है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।